आज मैं लेकर आई हूँ मूंग दाल के सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी। इतना मुलायम, इतना स्पॉन्जी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और साथ ही दही बड़े का एक स्पेशल मसाला भी बनाना बताऊंगी, जिसको दही बड़ा में डालते ही दही बड़े का स्वाद दुगना हो जाएगा। और बड़ों को कैसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 7 से 8 दिन तक, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मूंग दाल। तो सिर्फ मूंग दाल से ही हम बड़ों को बनाएंगे दही बड़े। और आप चाहें तो इसमें उड़द दाल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ सिर्फ मूंग दाल के दही बड़े। तो इसे पहले पानी डालकर अच्छे से धोएंगे। तो 2 से 3 बार पानी डालकर हम इसे अच्छे से धो लेंगे दाल को। तो इसमें जितनी भी गंदगी, डस्ट वगैरह होगा सब निकल जाएगा। दाल को अच्छे से धोने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी हमें ऊपर तक डाल देना है और 3 से 4 घंटे के लिए हम दाल को छोड़ देंगे ढककर, जिससे कि दाल अच्छे से फूल जाए। 3 घंटे बाद हम चेक करेंगे दाल को। तो ये देखिए 3 घंटे बाद ये दाल अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसी में पीसेंगे। तो एक झारे से हम दाल को उठाएंगे, जिससे पानी जो है सारा निकल जाएगा और इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अगर ज़्यादा पानी चला जाएगा ना, तो ये दाल बहुत ही पतला पीसकर तैयार होगा। इसलिए पानी को छान कर लेंगे और इसमें हम पानी बिना डाले ही दाल को पीसेंगे। तो उड़द की दाल जो होती है ना, उसमें पानी थोड़ा डालकर पीसा जाता है, लेकिन मूंग दाल आपका ऐसे ही अच्छे से पीसकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने मूंग दाल को पीस लिया है और ये देखिए कितना बिना पानी डाले कितना पतला हो गया है। तो अगर थोड़ा सा भी पानी जाएगा ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो जाएगी। तो बिना पानी डाले ही आपको पीसना है। और हाँ, ज़रूरत हो कि नहीं पीस रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तब आप थोड़ा 1 से 2 चम्मच पानी डालकर पीस सकते हैं। तो देखिए मैंने दूसरे बर्तन में पिसे हुए दाल को निकाल लिया है और बाकी की जो दाल थे उसे भी मैंने पीस कर इसी में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो हल्का सा दानेदार आपको दाल दिख रहा होगा, तो हल्का हल्का थोड़ा सा दानेदार मैंने दाल को पीसा है। अब इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये साइज में दुगना ना हो जाए, मतलब पहले से ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए कलर इसका वाइट हो गया है, पहले येलो कलर का दिख रहा था, अब वाइट दिख रहा है। अब इसे हम चेक करते हैं। तो टोटल 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे दाल फेंटने में। तो थोड़ा सा बैटर लेंगे और पानी के अंदर डालेंगे। देखिए ऊपर तैर गया है दाल, तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से तैयार है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 टीस्पून अदरक ग्रेट करके। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है, तो मैं इस समय नमक नहीं डालती हूँ। आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे स्वाद के अनुसार या थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है और थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। जब इस तरह से ऊपर तैर जाए बैटर, तब देखिए हमारा जो तेल है परफेक्ट गर्म है। और जो बड़े हैं उसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। हाथों को गीला करके थोड़ा थोड़ा बैटर को लेंगे और डालते जाएंगे तेल के अंदर। तो इस तरह से एक बार में जितना आ सके उतना हम डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही बड़ों को हम फ्राई करेंगे। और साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़े छोटे साइज किसी भी साइज के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज की बना रही हूँ। और थोड़ी देर बाद हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा बड़ों के ऊपर, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से कलर पलट करते हुए हम बड़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सभी बड़ों को इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं वाटर पेपर पे रख रही हूँ। अब सभी बड़े निकालने के बाद दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देते हैं। तो दूसरा बैच भी इसी तरह से डालेंगे, पहले के अकॉर्डिंग मैंने अभी ज़्यादा डाला है। तो यहाँ पे देखिए ये बैच भी हमारा तैयार हो गया है, अब इसी तरह से निकाल लेंगे। बड़ों को फ्राई करने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से आपके बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सारे बड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेसपेन में पानी गर्म करके रखी हूँ, तो उसे मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे 7 से 8 बड़े मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जितना खाना है उतना ही बड़े को भिगोकर रखना है और बाकी के बड़े हम स्टोर करके रखेंगे। तो इसे हम साइड में कर देते हैं। बड़े को कैसे स्टोर करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो एक कोई भी कंटेनर ले लीजिए, आपके पास जो भी कंटेनर है। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर लिए हैं और इसके अंदर ये बटर पेपर के साथ इसमें बड़े रख देंगे। और जब बड़े पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा
तो एक और बटर पेपर इसके ऊपर रख देंगे और ढक्कन बंद करके हम फ्रिज में स्टोर करेंगे 7 से 8 दिन तक। बिल्कुल भी खराब नहीं होता है ये बड़े, और इस तरह से जब भी आपको खाने का मन करे तो इसे निकालिए और गर्म पानी में इसे आधे घंटे के लिए रखिए, उसके बाद इसे आप दही के साथ सर्व कीजिए। तो अब यहाँ पे मैं गर्म पानी में नमक डालना भूल गई थी, तो मैं अभी डाल देती हूँ। तो गर्म पानी में नमक डालकर बड़ों को भिगोएंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है, नमक बड़े के अंदर तक चला जाता है। तो अभी इसे भिगोकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच लेंगे काली मिर्च, 6 से 7 लाल मिर्च लेंगे और इन सबको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए भून लेंगे, जब तक ये सुनहरे कलर का ना हो जाए। तो देखिए मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इससे जल्दी ठंडा हो जाएगा मसाला। अब इसे थोड़ा फैला देते हैं। अब यहाँ पे लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, 2 छोटी चम्मच काला नमक और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, और जो हमने मसाला तैयार किया है उसे डाल देंगे। तो चाट मसाला यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप करें। अब इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये हमारा स्पेशल मसाला दही बड़े का बनकर तैयार है। ये मसाला बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनता है, तो दही बड़े में जब ये मसाला डालेंगे ना तो इसका दुगना स्वाद हो जाता है दही बड़े का। अब मैं यहाँ पे एक कांच की बोतल ले ली हूँ और इस मसाले को इस बोतल में डाल दूंगी, तो इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीने के लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट मसाला है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस मसाले को आप किसी भी चाट में या फिर सैलेड में आप डालकर खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए दही बड़े के लिए मैंने ग्रीन चटनी और इमली खजूर की चटनी तैयार करके रखी है, और मसाला तो हमारा तैयार हो ही गया है, तो अब बनाते हैं दही बड़े। तो सबसे पहले हम दही में 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से फेंट लेते हैं चीनी घुलने तक। तो ये देखिए दही हमारा फेंट कर तैयार हो गया है। अब बड़े को पानी से निकाल लेते हैं। तो बड़ों में देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, हल्के हाथों से पानी निकालना है, इसे दबाकर, बहुत जोर नहीं लगाना है। तो हल्के हाथों से मैंने दबाकर निकाल लिया है पानी। सभी बड़ों को मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट ले रखी हूँ और सभी बड़ों को एक एक करके इस प्लेट में रखते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी दही, 2 बड़े चम्मच इसमें दही ऐड कर रही हूँ मैं। तो सभी बड़े के ऊपर दही इस तरह से डालते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी हरी चटनी। तो हरी चटनी मैंने बनाया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, और 2 से 3 कलियां लहसुन इसमें ऐड किया था, और थोड़ा सा नमक। बस इतना ही चीज़ें डालकर मैंने हरी चटनी तैयार की है। और इमली खजूर की चटनी अब ऐड करेंगे। तो ये चटनी की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसे डाल देते हैं अच्छे से, उसके बाद जो हमने अभी मसाला तैयार किया है उसे डाल देंगे। तो इसे स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे, चम्मच से डायरेक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो एक ही जगह पे जाकर गिर जाएगा ये मसाला। तो स्प्रिंकल करके इस पे डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सेव भुजिया ऐड करेंगे, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद ये हमारा दही बड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़ा बनकर तैयार हुआ है और उतना ही चटपटा है। तो इस होली पर या कोई भी फेस्टिवल पे आप बनाकर खाइए या कभी भी खाइए, लेकिन इस दही बड़े को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिएगा। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से खाते पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हैप्पी होली।